और आज हम डिडक्शन के मास्टर शर्लॉक होम्स की अनोखी दुनिया में एक बार फिर जा रहे हैं उसके सबसे अजीब पांच मामलों की लिस्ट देखने। जैसा कि सीरीज के पिछले छह वीडियोस में हमने शर्लॉक होम्स की कहानियों और उसके अलग अलग पहलुओं पर बात करते हुए देखा कि शर्लॉक होम्स ने अपने शानदार कैरियर के दौरान कई अजीबोगरीब मामलों का सामना किया है, आज हम इनमें से कुछ सबसे अजीब और अनोखे मामलों पर प्रकाश डालेंगे जिन्होंने पढ़ने और देखने वालों को अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर दिया। द एडवेंचर ऑफ द स्पेकल्ड बैन। आइए होम्स के सबसे विचित्र मामलों में से एक द एडवेंचर ऑफ द स्पेकल्ड बैन से शुरुआत करें। इस कहानी में होम्स को एक युवा महिला की रहस्यमय मौत की जांच करने के लिए बुलाया जाता है। इस मामले को अनोखा क्या बनाता है? द स्पेकल्ड बैन एक क्लासिक लॉक रूम मिस्ट्री है। जो कहानी है एक लड़की की जो इसलिए शर्लॉक होम्स से मदद मांगती है क्योंकि उसे डर है कि वह अपनी दो साल पहले मर गई जुड़वा बहन की तरह मरने वाली थी। गॉथिक एलिमेंट से भरपूर, इसे कई लोग डायल के बेहतरीन कार्यों में से एक मानते हैं। लेखक ने खुद इसे अपना सर्वश्रेष्ठ बताया है। जैसा कि होम्स ने इस कहानी में कहा है, जब कोई डॉक्टर गलत हो जाता है तो वह सबसे खतरनाक दर्जे का क्रिमिनल बन जाता है क्योंकि उसके दिल में जज्बा और हाथों में इल्म होता है। सेगमेंट 2, द फाइव ऑरेंज पिप्स। हमारी लिस्ट में अगला नाम है द फाइव ऑरेंज पिप्स का। शर्लॉक होम्स के 56 शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शन में द फाइव ऑरेंज पिप्स इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि सबसे जीनियस जासूस होकर भी शर्लॉक होम्स एक इंसान ही है जो कभी कभी नाकामयाब भी हो सकता है। अपनी नाकामी को कबूलते हुए शर्लॉक वॉटसन से इस कहानी में कहता है, आज रात कहने या करने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए मुझे मेरे वायलिन के साथ आधे घंटे के लिए छोड़ दो और इस खराब मौसम और इससे भी बुरे बेचारे साथी के हालात को भूलने की कोशिश करने दो। द एडवेंचर ऑफ इंजीनियर थंब। अब आइए अपना ध्यान लगाए द एडवेंचर्स ऑफ द इंजीनियर थंब पर। द एडवेंचर्स ऑफ द इंजीनियर थंब दरअसल शर्लॉक होम्स की ज्यादातर कहानियों के बेसिक से काफी अलग है। सबसे पहले यह उन दो कहानियों में से एक है जो डॉक्टर वॉटसन स्वयं शर्लॉक होम्स के लिए लेकर आए। वॉटसन एक हाइड्रोलिक इंजीनियर विक्टर हेदरली का इलाज करता है जिसने अपना एक अंगूठा खो दिया। हेदरली ने वॉटसन को उन अजीब सिचुएशंस के बारे में बताया जिनमें उसे चोट लगी थी और वॉटसन होम्स से उनकी मदद करने की सिफारिश करता है। दूसरी बात, कहानी कुछ कहानियों में से एक है जहां शर्लॉक क्रिमिनल को न्याय के कटघरे में नहीं ला पाता। वह कहानी की कुछ डिटेल जरूर इकट्ठे करता है लेकिन क्रिमिनल उसके पहुंचने से पहले ही भाग जाते हैं। इस तरह कहानी सही ढंग से खत्म नहीं होती। इंजीनियर अपना अंगूठा खो देता है, उसे काम का पैसा नहीं मिला है और जिन लोगों ने उसे परेशान किया वे नहीं पकड़े जाते। द एडवेंचर ऑफ द डांसिंग मैन। द एडवेंचर ऑफ द डांसिंग मैन में होम्स को एक गुप्त कोर्ट के मामले का सामना करना पड़ता है जिसमें होम्स को बच्चे के ड्राइंग से लगते तस्वीरों में छुपे कोर्ट को समझना होगा। मामला ऐसा है जहां रीडर न केवल मामले को सुलझाने में बल्कि कोड डिकोड करने में भी होम्स के साथ काम कर सकते हैं। द एडवेंचर ऑफ ससेक्स वैम्पायर। इस विचित्र कहानी में शर्लॉक होम्स अलौकिक से लगने वाले शक्तियों की जांच करता है, खासकर वैम्पायर्स की। होम्स की सर्विसेज एक ऐसे आदमी के लिए मांगी जाती है जिसे अपने पत्नी पर
खून चूसने वाली वैम्पायर होने का संदेह है। और ये रहा आपके पास आपका अपना जासूस, सबसे अजीब और असामान्य मामले निपटाता हुआ। यदि आपने अजीब कहानियों के इस सफर का आनंद लिया है तो लाइक बटन दबाना ना भूले और अधिक दिलचस्प वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन और उस नोटिफिकेशन की घंटी को जरूर दबाए ताकि कभी भी कोई सुराग आपसे छूट न जाए। अगली बार तक के लिए यह है बुक टाइगर।